सीएए लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार उनका बयान सामने आया है और क्या उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। अभी कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। सीएम योगी ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की है। सीएम योगी ने कहा प्रदेश के 2 करोड़ 12 लाख परिवारों को शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हर घर नल से जल मोदी की गारंटी है और साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी में पानी की समस्या ना हो। सीएम योगी ने अधिकारियों को तय समय में ही जल जीवन मिशन का काम करने को कहा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सलाह पर चलना फर्रुखाबाद के एसबीएसपी नेता को महंगा पड़ गया। आरोप यह है कि नवाबगंज थाना प्रभारी ने गले में पीला गमछा पहनकर थाने गए एसबीएसपी नेता से बदसलूकी की। आरोप के मुताबिक थाना प्रभारी ने उसका गमछा और मोबाइल छीन लिया, गाली गलौच भी की। इस घटना से नाराज एसबीएसपी कार्यकर्ताओं ने एसपी से आरोपी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से गले में पीला गमछा पहनकर थाने जाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पुलिस को उनके चेहरे में राजभर नजर आएगा। पदाधिकारी हैं विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप, इनको जो है पुलिस के द्वारा बुला करके अभद्रता की गई। पार्टी का एक अंगोछा है जो हमारा पार्टी का सम्मान मान सम्मान है, इसको जो है इन्होंने छीना गया उनके हाथ से और गले से उतारा गया, जो मोबाइल छीना गया। दूसरी चीज़ ये कि अभद्रता की गाली गलौज किया गया। गाली गलौज करने का कारण क्या था? अगर कोई बात अगर बनती है तो उनको बैठाल के आराम से बात की जा सकती थी। अभद्रता करने की कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को।